सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स असम सिटीजनशिप एक्ट वैलिडिटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने असम सिटीजनशिप एक्ट को मंजूरी अभी दी है, वैलिडिटी बोला कि अभी और दिन तक ये चलेगा। अब इसको समझते हैं असम सिटीजनशिप एक्ट क्या है। तो असम के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता देने के लिए, भारत की नागरिकता देने के लिए ये एक स्पेशल प्रावधान संविधान में बनाया गया है। दूसरे देशों के राज्यों में ऐसा कोई नियम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी को वायलेट करता है, और इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कौन होता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ही आपके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। तो किसी ने अपील कर दी कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, कि जो है बाकी के राज्यों में ऐसा कोई नियम नहीं है और असम को एक स्पेशल जो है कुछ नियम दिया जा रहा है। तो जब वहाँ के जज साहब, 5 जजों का जो है कमिटी बना हुआ था, जिसमें 4:1 4 जजों ने बोला कि नहीं, असम के लिए जो प्रावधान बनाया गया है वो अभी लागू रहेगा, क्योंकि वहां की स्थिति अभी बहुत ज्यादा सरल नहीं हुई है, अभी भी वहां कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो जब तक समस्याएं पूरे तरीके से जो है खत्म नहीं हो जाती हैं, इस नियम को अभी और बढ़ाया जाएगा। हालांकि एक जज साहब का ये कहना था कि जो सोच करके ये नियम बनाया गया था उस कदम पे कहीं ना कहीं चलने में सक्सेसफुल नहीं रह पाए हैं हम लोग, तो इस नियम को बंद कर दिया जाए। लेकिन 4:1 से जो है ये नियम अभी और आगे लागू रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। अब समझते हैं कि असम को स्पेशल सिटीजनशिप एक्ट जो है देने का प्रावधान क्यों बना, आखिर कैसे ऐसा हुआ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप आज के समय का अगर असम का आप बॉर्डर देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है आपको। असम यहाँ है, ये रहा आपका असम का बॉर्डर है, इस यहाँ से शुरू होता है। तो इधर तक कोई टेंशन, क्योंकि इधर अपना ही जो है भाई है मेघालय, लेकिन समस्या शुरू होता है यहाँ से। यहाँ से जब आप इधर जाएंगे तो देखेंगे है बांग्लादेश। बांग्लादेश शुरू में बांग्लादेश नहीं था, यहाँ पे क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जो है नियम क्या बनाया गया था कि जहां ज्यादा मुस्लिम का संख्या होगा वो पाकिस्तान हो जाएगा, और जहां ज्यादा हिंदुओं की संख्या होगी वो हिंदुस्तान हो जाएगा। तो इस रीजन में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी तो इसलिए ये रीजन बना दिया गया पाकिस्तान, और इस रीजन में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी इसलिए इसको भी पाकिस्तान मान लिया गया, और बीच में हमारा हिंदुस्तान रह गया। तो पाकिस्तान इधर वेस्ट साइड था तो इसको वेस्ट पाकिस्तान नाम दिया गया, और इधर ईस्ट साइड था तो इसको ईस्ट पाकिस्तान नाम दिया गया। अब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से जो अब कनेक्शन बना हुआ है तो लोग आएंगे जाएंगे ही, यहाँ से जो है इधर और यहाँ से इधर आना जाना चालू था। अभी बिल्कुल वैसा ही है कि आपका जो है दो पड़ोसी आपसे जो है लड़ता भी है, आप ही के द्वारे से आता जाता भी है, तो आपको तो इसमें टेंशन होना ही है। तो जो है उस समय की प्रधानमंत्री, 1971 का बात है, 1971 का बात है ये, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोली ये सब नहीं चलेगा, आपको जो है आना जाना रहे, जो करना है अपना अलग से कीजिए। तो इसके लिए क्या हो गया, 1971 में वॉर हो गया, तो वॉर हो गया तो इंदिरा गांधी पूरा बांटिए दी, दोनों का कनेक्शन तोड़ दी पूरा, कि आओ इधर उधर अब नहीं जाना है, ये जो है सरकारी कमिटी नहीं बना हुआ है कि दम आ रहे हैं जा रहे हैं, फुटपाथ नहीं है कि आए खेले कूदे सोए खाए पिए, नहीं सब करना इधर। तो यहाँ जो है कनेक्शन तोड़ दिया गया 1971 के वॉर में, जिससे कि हीरो रहे थे सैम मानेकशॉ हमारे। और यहाँ देखिए फोटो देखिएगा तो लगेगा कि ये अपना जो है नीचता पर साइन कर रहा है कि हम जो है 90,000 सैनिक लेके कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ देख लीजिए जो भारत के सैनिक एकदम पूरा खुश है कि आओ ना तुम लोग का तो जो होना था सो हम कर ही दिए हैं। तो इस तरीके से भारत पाकिस्तान का युद्ध जब समाप्त हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान केवल पाकिस्तान रह गया और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, ये नया देश बना। जब युद्ध हो रहा था उस समय क्या हो रहा था कि अब जब लड़ाई होगा तो नागरिक क्या चाहेगा कि हम कहीं सेफ जगह पे चले जाएं। तो जितना भी इधर के ईस्ट पाकिस्तान के नागरिक थे वो असम के बॉर्डर से सब घुस गए इसके अंदर। तो जब नागरिकता देने का नियम बनाया गया था संविधान लागू होने के समय, तो उसमें 4-5 चीजें कही गई थी कि संविधान बनने के समय जो भारत में है भारत के नागरिक, अगर जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं भारत के नागरिक उनके लिए अलग नियम, कुछ लोग थे जो भारत में रहते थे लेकिन पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस से भारत आ गए तो उनके लिए अलग नियम बनाया गया, जो लोग जो है गलती से या इच्छा अनुसार जो है दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लिए थे नागरिकता ले लिए हैं उनके लिए वापस से भारत की नागरिकता लेने का अलग नियम है। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग प्रावधान बना हुआ है हमारे संविधान में, इसे हम लोग डिटेल में रिपोर्ट आगे भी देखेंगे।
तो यहाँ के लिए भी अलग नियम बनाया गया कि जो भी लोग युद्ध से पहले जो है आए हैं उनको जो है मतलब नागरिकता दिया जाएगा, जो लोग जो है आ गए हैं तो उनको भगाया नहीं जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि युद्ध खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया, फिर भी वहां से लोग आए जा रहे हैं। अब किसी भी कंट्री के रिसोर्स का लिमिटेशन होता है, वो जितना मर्जी उतना नागरिक को अपने पास नहीं रख सकता है। अब सारा दुनिया के नागरिक आ जाएगा भारत में, तो भारत में खाने का टेंशन, पीने का टेंशन, रहने का टेंशन, दिक्कत है, रिसोर्स का लिमिटेशन है। तो इससे बचने के लिए भारत सरकार बोल रही कि अब जो है लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, जो है एक लिमिटेशन बना दिया गया कि इस पीरियड तक अगर आप भारत में आ गए तो आपको जो है नागरिकता मिलेगी, या आ गए हैं तो मिल जाएगी, बाकी लोगों को फॉरेनर ही माना जाएगा, उनको यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी। और जिनको नागरिकता दिया भी जा रहा था उनको वोटिंग वगैरह का अधिकार नहीं था शुरुआत में 10 साल के लिए। तो ये सब नियम बनाया गया था आसाम के लिए, जो कि 6A एक्ट जो है संविधान का आर्टिकल अगर बोलेंगे तो सेक्शन जो है 6A, इसका आर्टिकल 6A है इस आसाम सिटीजनशिप एक्ट का, जो अगर आर्टिकल आपसे पूछता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या जो है नागरिकता से जुड़ा, तो ये संविधान का पार्ट 2 है, यानी संविधान में जो पार्ट 2 है वो किससे जुड़ा हुआ है, हमारी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। पार्ट 2 डील विथ सिटीजनशिप इन इंडिया, क्या क्या है, 5 से लेकर के 11 तक इसमें पार्ट 2 में शामिल है। 5 कहता है सिटीजनशिप एट टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन नवंबर 26, 1949, यानी जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय जो लोग भारत में है वो भारत के नागरिक रहेंगे। उसके बाद आर्टिकल 6 कहता है डील्स विद सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टेन पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे सर्टेन पीपल लगा, यानी कुछ खास लोग जो कि पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि बंटवारा जो है हुआ था तो उस समय लड़ाई भी बहुत तगड़ा हुआ था और लोग लगातार जो है पलायन कर रहे थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान के तरफ, तो उनको भी नागरिकता देने की बात कही, चलिए भाई आपको भी नागरिकता हम दे देंगे, आप लोग भारत आए हैं, भारतीय हैं, शरणार्थी हैं, जो भी हैं आपको हम अपना मान लेंगे, अपना मानते हैं। आर्टिकल 7 कहता है डिस्कस द सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, सर्टेन माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, ये उनके लिए है जो कि रहते थे इंडिया में लेकिन उनका मन हो कि ना पाकिस्तान चलते हैं, वही ठीक है, लेकिन वहां मन नहीं लगा, बोले हम वापस हिंदुस्तान आते हैं, तो उनके लिए ये नियम बनाया गया था आर्टिकल 7। 8 नंबर है डिस्कस द सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टेन पीपल इंडियन ओरिजिन हु लिव आउटसाइड इंडिया, NRI लोगों के लिए आर्टिकल 8 है, NRI जिसको हम लोग कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी भारत में रहते नहीं हैं लेकिन है भारतीय मूल के ही, तो उनको नागरिकता देने के लिए ये नियम बनाया गया है। उसके बाद स्टेट्स दैट पीपल हु वॉलंटरली अक्वायर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एनी सिटीजन, यानी कि जो लोग दूसरे देश का नागरिकता ले लिए उनका नागरिकता चला जाएगा। आप अगर जो है इंडिया में रह रहे हैं नागरिकता ले लिए कनाडा का, तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। जैसे अक्षय कुमार कुछ दिन पहले जो है अपना नागरिकता वापस से कनाडा से अपना इंडियन कराए हैं, नहीं तो उनका जो है सिटीजनशिप कहाँ का था, कनाडा का था। हालांकि वो जो है मतलब सच्चे भारतीय उनको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि कनाडा का सिटीजनशिप वो केवल इसलिए लिए थे क्योंकि भारत में जब वो जो है जॉब करने का उनका अर्ली फेज था स्ट्रगल का, तो नौकरी मिल नहीं रही थी, तो सब लोग उनको बोला कि कनाडा चलिए, कनाडा में जॉब मिल जाएगा तो सिटीजनशिप ले लीजिए वहां का, तो अक्षय कुमार नौकरी के लिए ले लिए थे उस समय। लेकिन जब भारत में उन जो है इतना प्रचलित हो गए, इतना हिट हो गए, तो फिर भारत छोड़ के वो कहाँ जाएंगे, तो आज जो है वो भारत की नागरिकता वापस से ले लिए हैं। तो यही होता कि अगर आप दूसरे देश का नागरिकता लीजिएगा तो भारत का नागरिकता आपका चला जाएगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है डिस्कस द कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप राइट, यानी कि आपका नागरिकता जो है बना रहेगा, नागरिकता आपके जो है कोई छीन नहीं सकता है बिना, अगर आप कुछ ऐसा काम ना करें, वायलेशन ना करें, या आप खुद से नागरिकता ना छोड़े तो आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता है। CAA में लोगों को यही कंफ्यूजन हो गया था। 11 कहता है गिव पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप राइट बाय लॉ। 11वां आर्टिकल कहता है कि भारत का जो संसद है वो नागरिकता से जुड़े हुए कानून बना सकता है। तो इसी में 6A जो है इसी में कानून बना था, आसाम के लोगों के लिए बनाया गया था। तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आसाम में जो है पाकिस्तानियों की संख्या या कह लीजिए बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे लोगों को भड़का सकते हैं, हमारे सिक्योरिटी के लिए वो ठीक नहीं है। तो अगर सरकार जो है उस पर सही कदम नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हम लोग को हो ही जाएगा। तो ये सारा कहानी था आसाम के रिपोर्ट से जुड़ा हुआ।